अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम नेमतें अल्लाह ताला के लिए है जो ज़मीन व आसमानों का परवरदिगार है, खूबियों वाला है, इज़्ज़त वाला है, एहसान करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। मेरे भाइयों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जमील। मेरे भाइयों, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद आपकी सही रहनुमाई करना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। मेरे भाइयों, मेरी इस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ, ऑफिशियल सोर्सेज, वेबसाइट और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मेरे भाइयों, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कौंसलेट खाने के जनरल मैनेजर अमजद अहमद अली ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए जो फजाई ऑपरेशन शुरू किया था वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट हो गया है। मेरे दोस्तों, उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये फजाई ऑपरेशन मार्च के महीने में स्टार्ट किया था जो 28 जून को मुकम्मल हो गया है। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये फजाई ऑपरेशन 3 महीने में मुकम्मल हुआ है और इन 3 महीनों में 60,000 फंसे हुए पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब अमारात से खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है। मेरे दोस्तों, इन 60,000 पाकिस्तानियों में से 50,000 पाकिस्तानियों को PIA के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है, जबकि 10,000 फंसे हुए पाकिस्तानियों को मुत्तहिदा अरब अमारात की खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है। मेरे दोस्तों, उन्होंने मज़ीद कहा है कि 30,000 फंसे हुए पाकिस्तानियों को दुबई से खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है, जबकि 20,000 फंसे हुए पाकिस्तानियों को अबू धाबी से खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया है। मेरे दोस्तों, उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज से 29 जून से ऑनवर्ड मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़्लाइटें और एयरबलू और PIA अपने ममूल के मुताबिक नॉर्मल प्रोसेस के तहत शुरू की जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, आज से आप लोग पाकिस्तान नॉर्मल तरीके से, ममूल के तरीके से आ सकेंगे। मेरे दोस्तों, चूंकि खसूसी फजाई ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, आज से आप लोग टिकट ले सकेंगे और नॉर्मल फ़्लाइट के ज़रिए से, नॉर्मल टिकट के तरीके से आप पाकिस्तान आ सकेंगे। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।